हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ जितने भी हमारे क्रोशिया के बेसिक स्टिचेस होते हैं उनको, जैसे कि सिंगल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट या फिर ट्रिपल क्रोशेट। तो वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो इसीलिए थोड़ी सी लेंथ वीडियो की बड़ी हो सकती है। तो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये सारे स्टिचेस बनाने आ जाते हैं तो आपको समझिए कि 70% क्रोशिया चलाना आ गया। तो जो स्लिप नॉट बनाने का फर्स्ट तरीका है वो मैं अपने लास्ट वीडियो में दिखा चुकी हूँ, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। अगर आप वो तरीका देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप सबके साथ एक और तरीका शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमने अपने धागे को पकड़ लेना है लेफ्ट हैंड में, और इतना धागा जो है हमें अपने राइट साइड में पकड़ लेना है। उसके बाद हमें इस तरह से इस राइट हैंड की उंगली पे धागे को ऐसे लपेट लेना है इस तरह, और ये जो हमारा धागा है इसी के साथ पकड़ लेना है। ये देखिए, हमारा सर्कल एक छोटा सा तैयार हो गया। एक बार दोबारा देखिए, यहाँ पे इस उंगली और अंगूठे के बीच में ये धागा है, और ये जो छोटा हुआ पार्ट है वो हमने इस हाथ में पकड़ा, इस उंगली पे चढ़ाया इस तरह से, अंदर की तरफ से बाहर। देखिए, अंदर की तरफ से बाहर, और फिर इसको भी यहां से हमने इसी वाले धागे के साथ उंगली और अंगूठे के बीच में दबा लिया। ये देखिए, हमारे पास ये एक सर्कल सा तैयार हो गया है। अब जो ये बचा हुआ धागा है इसको हमें सर्कल के बीच में पीछे से दिखाना है। ये देखिए, ये हमें नजर आ रहा है ना सर्कल के बीच में धागा, लेकिन ये पीछे है। ठीक है, इस तरह से हम इस धागे को पकड़ लेंगे और इसको फिर हमें ये जो बीच वाला धागा है इसको हमें क्रोशिए पे चढ़ा लेना है, और फिर ये जो नीचे के दोनों धागे हैं ये और ये इसको खींच लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमारी जो नॉट है वो तैयार हो गई। तो ये भी एक इजी वे है स्लिप नॉट बनाने का। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए अब चेन बना लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह और चौदह। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से हमारी चेन जो है बनके तैयार हो गई है। आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, ये इस तरह से हमारी चेन बनती चली जाती है वी शेप में। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इस तरह से हमारी जो चेन है वो बनके तैयार हो जाती है। अब हम इसमें करेंगे सबसे पहले सिंगल क्रोशेट। सिंगल क्रोशेट बनाने के लिए हमें फर्स्ट चेन को स्किप कर देना है। जो हमारा ये वाला जो लूप है इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये क्रोशिया में अभी है, प्रेजेंट है, तो ये काउंट नहीं होगा। इसके बाद ये देखिए, ये जो आपको फर्स्ट चेन नजर आ रही है ये वाली जिसमें कि हमारा धागा पास हो रहा है, इसको हमें स्किप कर देना है, क्योंकि इसमें से तो धागा हमारा निकला हुआ है। अब हमें क्या करना है, इससे जो नेक्स्ट हमारा स्टिच है ये वाला, एक को छोड़ के सेकंड वाला जो वी शेप है उसमें हमें क्रोशिया को एंटर करना है इस तरह से। ठीक है, और ये धागा लपेट के इससे बाहर निकाल लेना है। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारे दो लूप हो गए। अब हमें क्या करना है, एक धागा इसमें से निकाल देना है। ये हो गया हमारा सिंगल स्टिच। ये जो वी हमारा बना हुआ है, चेन वाला वी है ना, ये देखिए आप देख सकते हैं, मैं आपको ध्यान से दिखाती हूँ। एक ये वी शेप हमारी बनी हुई है। तो हमें अभी क्या करना है, जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पार्ट है, उसको उसमें से हमें क्रोशिए को पास कराना है, नीचे वाले को नहीं करना है। तो एक बारी मैं आपको बना के और दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे, ये देखिए, इस तरह से डाला, धागा चढ़ाया, बाहर निकाला,
ये हमारे दो लूप हो गए अब, और ये धागा लेके दोनों में से पास करा दिया इस तरह से। एक और करके दिखाती हूँ आपको, ये वाली भी हमारी हो चुकी है। आप नेक्स्ट में देखिए, ऊपर वाले पोर्शन में से निकाला, धागा चढ़ा के बाहर कर लिया, फिर से दो लूप हो गए और ये इस तरह से। एक और ये देखिए, ये इस तरह से हमारा सिंगल क्रोशेट बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा वी है, एक ये रहा एक ये रहा। नेक्स्ट निकाला और दोनों को बुन दिया, फिर से एक और ऊपर वाले पोर्शन में से क्रोशे को बाहर निकाला, धागा चढ़ाया, वापस ले आए। ये दो लूप हैं, इनको दोनों को धागा चढ़ा के एक साथ धागा बाहर कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से बनता चला जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा ये जो है सिंगल क्रोशेट कंप्लीट हो गया। अब मैं ये धागा काट के और इसमें से ये देखिए, ये मेरा रेडी हो गया सिंगल क्रोशेट। अब मैं आपको दिखाती हूँ हाफ डबल क्रोशेट। देखिए इस तरह से चेन मैंने पहले ही बना के रख ली थी, ये देखिए। अब हमें डबल हाफ डबल क्रोशेट में क्या करना है, पहले हमने एक चेन जो है वो स्किप की थी, ये वाली, जिसमें से कि हमारा ये वी लूप है जो बाहर आया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दो चेन स्किप करनी है, फर्स्ट सेकंड। अब थर्ड में हमें ये जो क्रोशेट है इसको एंटर करना है, क्रोशिए को इस तरह से। लेकिन इसमें हमें ध्यान ये रखना है हाफ डबल क्रोशेट में, क्योंकि सिंगल क्रोशेट में हमने इसमें धागा चढ़ा के बाद में एंटर नहीं किया था, सिर्फ सिंपल एंटर किया था। अभी हमें क्या करना है हाफ डबल क्रोशेट में, पहले हमें धागा चढ़ा लेना है क्रोशिए के ऊपर, उसके बाद हमें थर्ड चेन में एंटर करना है क्रोशिए को, और फिर इस पर धागा चढ़ा के यहाँ से बाहर ले आना है इस तरह से। अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे तीन लूप हैं, एक दो तीन। सिंगल क्रोशेट में हमारे पास दो ही लूप थे, अब हमारे पास तीन लूप हैं, क्योंकि ये जो बीच वाला धागा है ये हमने पहले चढ़ाया था और ये हमने अभी अंदर से निकाला है। अब हमारे पास ये तीन लूप हैं, अब हमें इन तीनों लूप्स में से एक साथ ही इस धागे को पास कराना है इस तरह। वन मोर टाइम देखिए, पहले हमें धागा चढ़ाना है, अब हम इससे नेक्स्ट स्टिच लेंगे, ये वाला। इसमें हमें क्रोशिया पास किया, बाहर निकाल लिया, अब ये फिर से तीन लूप हैं, तो तीनों में से एक साथ बाहर। ये हमारा हाफ डबल क्रोशेट है। फिर से एक बार धागा चढ़ाया, नेक्स्ट स्टिच में से ऊपर वाले पोर्शन से अंदर एंटर किया, बाहर निकाला, और तीनों में से एक साथ धागा पीछे ले लिया इस तरह। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा बनता चला जाएगा। इसको बोलते हैं हाफ डबल क्रोशेट। एक बारी मैं आपको और बुन के दिखा देती हूँ ताकि आपको इजी रहे। ये देखिए, पहले धागा चढ़ा लिया, अब ये हमें नेक्स्ट स्टिच के ऊपर वाले पार्ट में से क्रोशिए को एंटर किया, बाहर निकाला, और फिर इन तीनों को एक साथ बुन दिया। फिर से धागा चढ़ाया, नेक्स्ट स्टिच का ऊपर वाला पोर्शन लिया, धागा बाहर निकाल लिया, और फिर से तीनों को एक साथ बुन लेना है। देखिए, तीनों को एक साथ, इस तरह से ये हमारा हाफ डबल क्रोशेट भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए, ये था हमारा सिंगल क्रोशेट, ये है हाफ डबल क्रोशेट, अब है डबल क्रोशेट। तो इसके लिए भी मैंने चेन पहले से बना ली है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे वीडियो में। सिंगल क्रोशेट में हमने एक चेन स्किप की थी, हाफ डबल क्रोशेट में हमने दो चेन स्किप की थी,
अब डबल क्रोशेट में हमें तीन चेन स्किप करनी है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें से हमें पास करना है, लेकिन उससे पहले धागा चढ़ा लेना है और फिर इसमें से हाफ डबल क्रोशेट की तरह बाहर ले आना है। ये देखिए हाफ डबल क्रोशेट की तरह हमारे पास फिर से तीन लूप आ गए हैं, लेकिन हाफ डबल क्रोशेट में हमने इन तीनों में से एक साथ पास किया था, एक साथ पास किया था इस तरह से। डबल क्रोशेट में हमें क्या करना है, डबल क्रोशेट में हमें दो बार बुनना है इन धागों को, दो दो के लूप में, ठीक है। पहले दो फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों को बुन लेंगे ऐसे, और अब ये हमारे पास फिर से दो आ गए हैं, तो इन दोनों को बुन लेना है इस तरह से। एक बार फिर से देखिए, पहले धागा चढ़ाया, नेक्स्ट स्टिच में से पास किया, बाहर निकाल लिया और दो को बुना पहले, फिर दो को बुना, ये हमारा हो गया डबल क्रोशेट। ये देखिए धागा चढ़ाया, नेक्स्ट चेन में से पास किया, बाहर ले आए, फिर दो को बुना और फिर दो को बुना इस तरह, ये हमारा हो गया डबल क्रोशेट। देखिए पहले इन दो को फिर इन दो को, ये होता है डबल क्रोशेट। ये देखिए धागा चढ़ाया, नेक्स्ट चेन में से पास किया, धागे को बाहर लाए, हमारे पास तीन लूप हैं तो पहले के दो लूप और फिर बाद के दो लूप इस तरह से करते हुए। और कहीं भी अगर आपको लगता है कि हमसे कुछ गलती हो रही है तो ये बहुत आसान है इसको ठीक करना, आप अपने ये हुक को बाहर निकालिए और इस तरह से इसको खींच लीजिए धागे को, तो ये देखिए वापस आ जाएगा, बहुत ही इजी है। जहां भी आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती हो रही है तो आप इस तरह से कर सकते हैं और वापस से बना सकते हैं, पहले के दो लूप फिर बाद के दो लूप इस तरह, टू टू के कपल में हमें इनको बुनना है। शुरुआत में आपको थोड़ा सा मुश्किल ये लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपको अगर ये स्टिचेस आ जाते हैं तो आपके लिए क्रोशिया बनाना बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान हो जाएगा। चार तरह के मेन इसमें स्टिचेस होते हैं, अगर आपको स्लिप नॉट और चेन बनानी आ गई है तो। ये अभी हमारा तीसरा चल रहा है, पहला था सिंगल क्रोशेट क्रोशिया, दूसरा था हाफ डबल क्रोशिया और ये है हमारा डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बन गया डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा सिंगल, ये हाफ डबल और ये डबल। अब हमें करना है ट्रिपल क्रोशेट, ये लास्ट स्टिच है जो हमें आना बहुत जरूरी है। देखिए इसके लिए भी मैंने चेन पहले से बना लिया। सिंगल क्रोशेट में हमने एक चेन स्किप की थी, डबल में हमने हाफ डबल में हमने दो चेन स्किप की थी, डबल में हमने तीन चेन स्किप की थी और अब ट्रिपल क्रोशेट में हम लोग चार चेन स्किप करेंगे। डबल क्रोशेट में हमने धागा एक बार चढ़ाया था बाहर निकाल के और उसको टू के कपल में बुना था। अब ट्रिपल क्रोशेट में हमें धागे को दो बार चढ़ाना है। ये देखिए अब ये हमारा लूप है, एक एक बार ये चढ़ाया, इसको हमने उंगली से दबा लेना है और फिर से एक बार धागा चढ़ा लेना है। एक बार दोबारा देखिए, ये हमारा सिंगल लूप है, एक बार हमने धागा चढ़ाया, ये दो हो गए। अब इस लूप को हमें उंगली से दबा लेना है और एक बार और धागा चढ़ा लेना है। ये देखिए 1 2 3, अब ये हमारे तीन लूप बन चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने चार चेन जो है स्किप करनी है, 1 2 3 4। तो हमें इसमें ये हम क्रोशे को एंटर करवाएंगे और इसमें से धागा बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए अब हमारे पास आप देख सकते हैं चार लूप बन चुके हैं, इनको भी हमें दो दो के लूप में ही बुनना है। धागा चढ़ाया, दो का एक किया, फिर अगले दो का एक किया, फिर नेक्स्ट दो का एक किया इस तरह। एक बार फिर से देखिए, एक धागा दो धागे हमने चढ़ा लिए और नेक्स्ट चेन में हमें क्रोशे को एंटर करना है और बाहर निकाल लेना है। ये हमारे पास चार लूप बन गए हैं, दो दो के लूप में हमें इसको बुन लेना है। देखिए इस तरह से, एक दो
और नेक्स्ट चेन में हमने एंटर किया, बाहर लाए और दो, फिर से दो, फिर से दो। मैं जानबूझ के ये थोड़ा सा लूज बुन रही हूँ ताकि आपको आसानी से दिख सके और आपको समझने में आसानी हो सके, लेकिन अगर आप रियल में ऐसे बनाते हैं तो अपने हाथ को इतना भी लूज नहीं रखना है। ये देखिए हमारा एक लूप है, इसमें हमने धागे को दो बार चढ़ाना है, एक दो, और नेक्स्ट चेन में एंटर करना है क्रोशिया और धागा बाहर ले आना है। अब हमारे पास चार लूप हो गए हैं, तो दो दो के पेयर में इसको बुन लेना है, फर्स्ट दो, सेकंड दो, थर्ड दो। इस तरह से हमारी चेन जो है वो बनके तैयार होगी। ये देखिए दो बार चढ़ा लिया, नेक्स्ट चेन में एंटर किया, बाहर लाए, पहले दो का एक, फिर से दो का एक, और फिर से दो का एक। देखिए आसानी से आपको नजर आ रहा होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार, दो बार, और फिर नेक्स्ट चेन में एंटर करके धागा बाहर, फिर ये जो चार लूप बने हैं, दो का एक, फिर से दो का एक, और फिर से दो का एक। दो बार धागे को चढ़ाया, चेन में से बाहर करके धागा लाए, दो का एक, फिर दो का एक, फिर से दो का एक। देखिए वन टू, और ये हमारा लास्ट जो वी रह गया है इसमें से हमने क्रॉस किया, दो का एक बनाया, फिर से धागा लिया, दो का एक बनाया, और फिर से धागा लेके दो का एक। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ट्रिपल चेन जो है वो भी बन गई है, ट्रिपल क्रोशेट की। तो ये देखिए ये हमारी ट्रिपल चेन है जो बनके तैयार हो गई है, ट्रिपल क्रोशेट। अगर आप इसकी विड्थ देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये देखिए ये सिंगल क्रोशेट से ट्रिपल है। ये है हमारा सिंगल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट और ट्रिपल क्रोशेट, ये वाला। अगर आपको ये चार स्टिचेस आ जाते हैं, ये बेसिक स्टिचेस हैं क्रोशेट के, क्रोशिए के, अगर आपको ये चारों स्टिचेस बनाने आ जाते हैं तो आप समझिए 70% क्रोशिया चलाना सीख चुके हैं। इनकी मदद से आप कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी अपना जो भी आप बनाना चाहते हैं, चाहे वो फ्लावर है, चाहे वो थालपोश है, या कोई भी प्रोजेक्ट है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इन चारों स्टिचेस की प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ये सिंगल क्रोशेट है, ये हाफ डबल क्रोशेट है, ये डबल क्रोशेट है, और ये ट्रिपल क्रोशेट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन मेरा मकसद यही था कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ इन चारों बेसिक स्टिचेस के बारे में, और आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा। और अगर कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से इसमें एक्सपर्ट हो जाइए। बाय बाय।